तो महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त शिवाजी महाराज के नाम पर खासा उबाल मार रही है, क्योंकि सिंधुदुर्ग में 8 महीने पहले लगी शिवाजी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा ढह गई, गिर गई। दोनों तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर आप 4 दिसंबर 2023 की वो तस्वीर भी देख रहे हैं जब शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। फिर दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं 26 अगस्त 2024 की तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें शिवाजी महाराज की गिरी हुई प्रतिमा दिखाई दे रही है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर पहले से ही चेताया गया था प्रशासन की ओर से। यही बड़ी खबर आपको बता दें, शिवाजी की प्रतिमा ढहने के मामले में खुलासा ये हुआ है कि PWD ने 20 अगस्त को इसकी चेतावनी दी थी। नट बोल्ट में जंग लगने की सूचना दी गई थी, नेवी के अधिकारियों को दी थी जानकारी। 26 अगस्त को ढही थी शिवाजी की प्रतिमा, और उसके बाद ये जो जानकारी थी वो प्रशासन की ओर से पहले ही चेताया जा चुका था। PWD का वो लेटर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ये बताया गया कि ये इस प्रतिमा के जो नट बोल्ट हैं उसमें जंग लग रही है, और इसीलिए कोई एक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। ये 20 अगस्त को चेताया गया, ये तारीख 20 अगस्त की थी, लेकिन 26 अगस्त को ये प्रतिमा ढह जाती है, इस तरह गिर जाती है। तो ये कई सवाल खड़े करती है घटना, कि आखिर पहले से क्यों नहीं सचेत रहा गया, पहले से क्यों नहीं प्रतिमा को दुरुस्त कर दिया गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर एक्शन हो रहा है। मालवड़ पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है। कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट के खिलाफ केस दर्ज किया गया इस मामले में। FIR में जयदीप चेतन पाटिल का नाम भी शामिल है, और आरोपियों की कंपनी ने ही प्रतिमा बनाई थी, ये बताया जा रहा है, ये स्टैच्यू बनाई थी, और इन्हीं आरोपियों की कंपनी ने ही बनाई थी, इन्हीं को ठेका मिला था इनकी कंपनी को ही, और यही आरोपी हैं जिनका नाम FIR में दर्ज हुआ है। और एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें इस मामले में, बड़ी खबर यह है कि प्रतिमा ढहने की जांच नौसेना करेगी। नौसेना ने जांच के लिए टीम गठित कर दी है, नेवी करेगी इसकी जांच। प्रतिमा गिरने के कारण की जांच होगी कि आखिर क्यों गिरी, जल्द से जल्द मूर्ति की स्थापना भी कराई जाएगी मरम्मत के बाद। और अब आपको शिवाजी महाराज की प्रतिमा से जुड़ी आज की तस्वीर दिखाते हैं। सिंधुदुर्ग में ढही प्रतिमा को अब ढक दिया गया है। ये फ्रेश विजुअल्स हैं, रीसेंट विजुअल्स हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो ये प्रतिमा ढह गई, ये मूर्ति गिरी, उसके बाद इस हिस्से को ढक दिया गया है, और अब आगे जाँच की जा रही है, उसके बाद पुनर्स्थापना की जाएगी, इसकी मरम्मत के बाद पुनर्स्थापना की जाएगी। नेवी इसकी जांच को आगे बढ़ा रही है। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह से ये मूर्ति गिरी है वो कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि इससे पहले प्रशासन की तरफ से भी इस बात को लाइमलाइट में लाया गया कि इसमें दिक्कतें हैं, नट बोल्ट की दिक्कत है, जंग लग रही है इसमें, कोई हादसा हो सकता था। तो ऐसे में पहले ही प्रशासन को जाग जाना चाहिए था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब मूर्ति गिर गई, अब एक्शन लिया जा रहा है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरह से तस्वीर ये जब ढक दिया गया है उस आधी मूर्ति को जब वो गिर गई, और उसके बाद उस वक्त की तस्वीर जब मूर्ति गिरी। तो दो तस्वीरें आपको एक साथ इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये जो मूर्ति गिर गई, जो टूट गई, उसके बाद वो गिर गई जमीन पर, वो मूर्ति के जो अंश हैं वो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में। तो दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस मूर्ति को आधे हिस्से को ढक दिया गया है, अब इसकी पुनर्स्थापना कराई जाएगी, यानी पहले जांच होगी उसके बाद इसकी पुनर्स्थापना कराई जाएगी, जैसा कि कहा जा रहा है। अब आपको बताते हैं, सियासत भी बहुत गर्मा गई है इस घटना को लेकर। प्रतिमा ढहने पर संजय राउत का बयान आया है, चुनाव के चलते जल्दबाजी में अनावरण करा दिया गया, तेज हवा के चलते मूर्ति नहीं ढह सकती, भ्रष्टाचार के चलते प्रतिमा ढही गई है। हवा ज़्यादा नहीं है, हवा उनके दिमाग में है, यहाँ सर में हवा घुस गई है, इसलिए ज़मीन से ऊपर उड़ रहे हैं। बहुत ही जल्दबाजी में किया लोकसभा चुनाव से पहले, देखो हमने किया वो बताना था, श्रेयवाद की लड़ाई थी। भ्रष्टाचार उस काम में है जहाँ राष्ट्रभक्ति का नाम लिया जाता है,
छत्रपति शिवाजी महाराज के काम में भी वो लोग भ्रष्टाचार करते हैं। अब लाडली बहना हमारे लाडले राजा को नहीं संभाल सकते, आप लाडली बहना की बात करते हो। तो संजय राउत को आपने सुना, अब आपको सुनाते हैं शिवाजी की प्रतिमा गिरने को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत आहे। हा पुतळा जो आहे हा नेव्हीने उभारला होता, त्याचं कम्प्लीट डिझाईन नेव्हीने तयार केलं होतं आणि मी कलेक्टरशी बोलल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं 45 किलोमीटर पर आवर अशा प्रकारचा वारा, सुसाट्याचा वारा जो भोग होता आणि त्या याच्यामध्ये पुतळ्याचं नुकसान झालेलं आहे। तो आपने एकनाथ शिंदे को सुना और अब आपको बताते हैं किसने क्या कहा, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। प्रतिमा गिरने को लेकर जबरदस्त उबाल पर है महाराष्ट्र की सियासत। आपको बताते हैं कैसे सियासी जंग छिड़ी है, किसने क्या कुछ कहा है। एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया तेज हवा से शिवाजी महाराज की प्रतिमा ये मूर्ति गिरी है। रविंद्र चव्हाण जो कि PWD के मंत्री हैं, PWD मंत्री, उनकी तरफ से कहा गया कि आगे जांच होगी और नेवी की तरफ से प्रतिमा की पुनर्स्थापना के लिए टीम तैनात की गई है। नाना पटोले की तरफ से, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से भी बयान आया। आदित्य ठाकरे की तरफ से कहा गया हम शिवाजी महाराज का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, प्रतिमा गिरने पर बेशर्म गद्दार बहाने बना रहे हैं, ये प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से कहा गया। सुप्रिया सुले कह रही है काम घटिया क्वालिटी का था, ये जनता के साथ खुला धोखा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी का बनाया हर निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तो ये अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान इस मूर्ति के गिरने के बाद सियासत में जबरदस्त गर्मी देखने को मिल रही है। तो अब जानिए शिवाजी महाराज को, छत्रपति शिवाजी को जानिए, योद्धा और मराठा राजा थे, मुगलों के खिलाफ कई जंग उन्होंने लड़ी, वीरता के चलते शिवाजी की उपाधि भी मिली। अब आपको बताते हैं उनकी शौर्य गाथा। खौफ खाते थे बीजापुर के शासक आदिल शाह ने बंदी बनाने की योजना बनाई, शिवाजी के पिता को बंदी बना लिया गया था दरअसल, और आदिल शाह की कैद से पिता को छुड़ाया गया, पुरंदर जावेली के किलों पर कब्जा भी किया गया। तो वीरता के चलते शिवाजी की उपाधि उन्हें मिली। एक बार हम फिर से आपको बता रहे हैं शौर्य गाथा उनकी बता रहे हैं, खौफ खाते थे बीजापुर के शासक आदिल शाह, और खौफ खाने के चलते आदिल शाह ने बंदी बनाने की योजना बनाई उनके खिलाफ, और इस घटना को लेकर आगे जांच किस तरह से आगे बढ़ रही है, अभी क्या अपडेट है। भूषण पाटिल हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ सिंधु दुर्ग से जुड़ रहे हैं। भूषण क्या बताया जा रहा है, क्योंकि नेवी ने अपने हाथों में ले लिया है कि आगे जो मूर्ति की पुनर्स्थापना कराई जाएगी वो नेवी कराएगी, लेकिन इस मामले में सियासत भी जमकर हो रही है, अलग अलग नेताओं के बयान भी हमने सुनाए हैं, अभी इस वक्त क्या अपडेट है। मालवन के राजकोट पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा थी वो कल गिर गई थी, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि फॉरेंसिक की टीम अब यहाँ पर आ चुकी है। हालांकि PWD ने कल ही ये कहा था कि ये सब जो कुछ हुआ है वो नेवी की वजह से हुआ है, क्योंकि जो कुछ प्रतिमा को गंज लगा हुआ था उसके बारे में हमने नेवी को बता दिया था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया और उसी के कारण यह सब हुआ है। देखिए दो दिन से मालवन और इलाके में तेज बारिश है, भारी बारिश है, और इसी के कारण हम देख सकते हैं कि उसी के परिणाम चलते ही ये सब कुछ हुआ, ऐसा प्राथमिकता लग रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं कि अब ये सब होने के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत भी गरमाई हुई नजर आ रही है। विरोधी पक्ष इस बात को लेकर आक्रामक हुआ है, जिस तरीके से PWD ने ये नेवी पर जो आरोप कर रहे हैं वो उसके चलते कांग्रेस के नेता सतेज पाटिल ने ये बयान दिया है कि आप नेवी को क्यों बदनाम कर रहे हो इस तरीके से, क्योंकि जो कुछ इस प्रतिमा के बारे में कार्यवाही करनी की गई है वो PWD की तरफ से ही की गई हुई है, और अब वो प्रतिमा गिरने के बाद अब ये कैसे हो सकता है। तो अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पर आ चुकी है और वो भी ये जांच जो है वो कर रही है। जो कुछ प्रतिमा गिरी हुई है उसको बांध कर रखा गया है घटनास्थल पर, और देख सकते हैं कि किस तरीके की परिस्थिति यहाँ पे राजकोट किले पे हमको दिखाई दे रही है।